साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को टच करके ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगे और आप हमारे वीडियो का आनंद ले पाएंगे। चलिए, मेरे व्हाइट बोर्ड पर क्या दिख रहे हैं, क्या है सवाल है, यहाँ पर जो अचराशी है ना, इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी है, वो भी कैसे स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप हमें नहीं चूकना है। तो चलिए कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाए ये देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो याद रखिए यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक है, एक छोटा है ना, एक छोटा कोष्टक है और उसके पास उसकी क्या है, रूट भी है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू इक्वल फाइव दिया है। तो ध्यान रखिए जब भी कोष्टकों को हल करना होता है तो हमें सबसे पहले रेखा कोष्टक है ना, इस तरह से होता है जो यहाँ पर नहीं है, उसके बाद किसको हल करते हैं, छोटा कोष्टक को, उसके बाद किसको हल करते हैं, ये जो सर्पाकार दिख रहा है मंझला कोष्टक को, फिर आखिरी में कौन से कोष्टक को हल किया जाता है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, बड़ा कोष्टक को। तो चलिए सीक्वेंस वाइज चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखेंगे हम बड़ा ब्रैकेट को लिख देते हैं ऐसी। अब यहाँ पर देखिए ये चेंज करेंगे कैसे हो जाएगा, ये अगर कोई भी चराशी है उसकी जो रूट है ना, रूट लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं मतलब टू रहेगा, क्लियर। यहाँ पर फाइव है लेकिन यहाँ पर टू है ना, तो ये घातांक के नियम से क्या हो जाता है, ए की घात क्या हो जाता है यहाँ पर, एक बटा दो। तो यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की घात तीन ऋण तीन बटा पांच, ठीक है। ये जो पांच है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक बटा पांच हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा पूरे की घात एक बटा पांच, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कोष्टक को ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, तो ये पूरे की घात क्या है, ऋण पांच बटा तीन, बड़ा ब्रैकेट है हमारा, पूरे की घात पांच बराबर पांच है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, घात कर घात आपस में क्या जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने से, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा हमारा एक्स टू पावर ऋण तीन बटा पांच गुणित एक बटा पांच, ठीक है। कोष्टक पूरे का क्या है, पावर ऋण पांच बटा तीन और बड़ा ब्रैकेट के बाहर है घात पांच बराबर पांच। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा गुना करने से, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स टू पावर कितना हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा ना, घर में पच्चीस आ जाएगा, तो छोटा ब्रैकेट पूरे की घात हो जाएगा, नीचे में पांच पच्चीस आएगा, पांच पंचे पच्चीस, ऊपर गुना मतलब क्या आएगा, एक गुणित ऋण तीन मतलब ऋण तीन, पूरे की घात कितना है यहाँ से, ऋण पांच बटा तीन है, ठीक है, और पूरे की पावर है पांच बराबर पांच। आगे अगले स्टेप देखते हैं, अगर घातांक के नियम से है ना, मैं बता दूं कि अगर ए टू पावर एम है, ठीक है, उसकी भी घात हमारी एम हो जाती है, तो ये आपस में घातें क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगी यहाँ से, ए की घात एम इंटू एम हो जाती है। सेम यहाँ भी दोनों आपस में क्या है, घात का भी घात है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर हो जाएगा माइनस थ्री ऋण तीन बटा पच्चीस गुणित ऋण पांच बटा तीन, ठीक है, और पूरे की घात क्या है हमारा, पांच बराबर ये हो गया हमारा पांच, ठीक है। तो यहां से देखते हैं पांच की बड़ा मेन बार में, फिर पांच बार में पच्चीस आया, तीन एकम कट गया है ना, तो क्या बचा देखते हैं। चलिए इस यहां देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट एक्स, यहां से देखो ऋण तीन और ऋण एक है ना, ऋण एक और ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वन आएगा यहां से अंश में, और घर में देखते क्या आएगा, पांच ही बचा है, पांच एकम पांच बचा है, ठीक है, और पूरे की घात कितना है, पांच बराबर कितना, पांच, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गुणा वही नियम लगाएंगे, घात का घात है पांच, तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स टू पावर वन एक बटे पांच गुणित पांच, ठीक है, बराबर पांच, ठीक है। तो पांच एकम कट गया यहां से, तो क्या बचा, एक्स टू पावर वन बचा ना, तो वन को नहीं लिख रहे हैं, ये हो गया पांच, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ये है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, चाहते तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे है ना, उसके बाद रूट बढ़ा के फिर मल्टीप्लाई कर सकते, तो घात सब कट जाती एक आधा, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप ऐसा हमें बनाकर दिखाना है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, प्लीज पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।